Good day, student. Our topic is elements of group 6A. Now we are going to discuss the element of 6A. And first one element is oxygen, second sulfur, uske baad selenium, tellurium or polonium. Now start them one by one. These elements are called halogens, means copper giver. Jis tarah halogen hota hai wo ग्रुप 7A से तले रखते हैं, ये 6A से तले रखते हैं, इनको हम कैलोगन कहते हैं. दे आर फाउंड इन कॉपर ओर्स, और ये चूंकि ये कॉपर गिवर है और ये इसलिए कॉपर गिवर कहलाते हैं क्योंकि ये कॉपर ओर के अंदर मौजूद होते हैं. ऑल एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स एक्सेप्ट प्लूनियम, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है. जितने भी एलिमेंट है, चाहे ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलेनियम है, वो सारे के सारे नॉन मेटल है. सिर्फ पोलोनियम जो है ना वो रेडियो एक्टिव है और वो मेटल है. देयर एटॉमिक रेडियाई, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बीपी बॉइलिंग पॉइंट, एमपी मेल्टिंग पॉइंट, इंक्रीज विद इंक्रीज डाउन द ग्रुप. जैसे ही आप ग्रुप से नीचे आते हो इनकी ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक बढ़ती जाती हैं. देयर आयोनाइजेशन एनर्जी इन द ग्रुप इज वेरी हाई, आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये रिलक्टेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसलिए उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना या ये जल्दी इलेक्ट्रॉन अपना नहीं छोड़ते. ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आफ्टर फ्लोरीन, के जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है टॉप में फ्लोरीन है, उसके बाद जो नंबर आता है वो ऑक्सीजन का आता है. ऑल एलिमेंट शो प्रॉपर्टी ऑफ एलोट्रॉपी, इसमें बहरूपी है जिसको कहते हैं, ये कई शक्लों में पाए जाते हैं. इन सभी एलिमेंट के अंदर मौजूद है. जैसे ऑक्सीजन के दो एलोट्रॉपिक फॉर्म है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, दूसरी ओजोन जो अपर एटमॉस्फेयर पे मौजूद है, इसके बारे में हमने काफ़ी पढ़ा हुआ है, और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को हमारी ज़मीन तक नहीं आने देते. सल्फर हैज़ थ्री एलोट्रॉपिक फॉर्म, इसमें अल्फ़ा बीटा और गैमा, अल्फ़ा सल्फर, बीटा सल्फर और गैमा सल्फर मौजूद है. सेलेनियम हैज टू है, इसमें रेड कलर की सेलेनियम मौजूद है और ग्रे कलर की, काले कलर की है. और टेलेरियम जो है उसके दो जो है ना आयलोट्रॉपिक फॉर्म है, एक मेटालिक है, दूसरी नॉन मेटालिक है. दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, कैटिनेशन हमने पढ़ा हुआ है, जैसे कार्बन कार्बन के साथ ज्वाइंट होता है, सिलीकोन सिलीकोन के साथ ज्वाइंट होता जाता है, एक लॉन्ग चेन बनाते हैं अपने जैसे एलिमेंट के साथ मिलकर वो लॉन्ग चेन बनाते हैं, उसको कैटिनेशन कहते हैं. इसी तरह जो ग्रुप 6 से एक एलिमेंट है वो भी कैटिनेशन शो करते हैं. ऑल एलिमेंट्स आर पॉलीमेरिक इन नेचर, यानी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं एक से ज़्यादा, जैसे ऑक्सीजन को हम O2 लिखते हैं, ये ज़्यादा लिखते हैं. दे अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस बाय अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये 6A से इनका तल्लक है 6A, तो इनको आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, लिहाजा ये आसानी से अपना आउटरमोस्ट शेल कम्प्लीट कर लेते हैं या नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन के करीब के तक पहुंच जाते हैं, बल्कि वही हासिल कर लेते हैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद. ये जितने भी एलिमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन लें और उनकी आउटरमोस्ट शेल जो है ना कॉन्फ़िगरेशन वो कंप्लीट हो जाती है. इसके अक्रंस की बात करें, ऑक्सीजन इज मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, 50% है अर्थ क्रस्ट के अंदर. इसके अलावा अबाउट 1/4 ऑफ द एटमोसफेरिक एयर बाई वेट कंसिस्ट ऑफ फ्री ऑक्सीजन, और फ्री ऑक्सीजन जो है ना 1/4 हिस्सा जो है ना वो ऑक्सीजन का ओपन एयर के अंदर है. तकरीबन 22% जो है ना परसेंट बाय वेट जो है ना वो ऑक्सीजन है. वाटर कंटेन है 89% ऑफ कंबाइंड ऑक्सीजन, और जो दुनिया के समंदर है जो पूरी दुनिया कवर किए हुए हैं उसमें 89% जो है ना कंबाइंड ऑक्सीजन मौजूद है. कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 53% ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट है, इसमें 53%, इसमें चाक आ गया, ये चूना आ गया और संगमरमर आ गया, इनके अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद है. सल्फर इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर बोथ एज ए फ्री एंड कंबाइंड स्टेट है, जैसे सल्फर अक्कर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे ज़्यादा कहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, एनिमल के अंदर और वेजिटेबल के अंदर, जैसे ओनियन है, गार्लिक है, सीड्स आ गए, ओल्स आ गए, इसके अलावा एग है, इसके अंदर सल्फर काफ़ी ज़्यादा मौजूद है. इट अक्कर एज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, सल्फर जब हम जलाते हैं अब सल्फर पैदा होता है जो पोल्यूशन का सबब बनता है, डिग्रेडेशन का सबब बनता है सल्फर, खासतौर पर सल्फर डाइऑक्साइड जब बर्न होती है, तो सल्फर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर, कोल के अंदर काफ़ी ज़्यादा मौजूद है. थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़.